तजुर्बा ने तस्लीम किया कि जीवन को बेहतरीन बनाना है तो गुरुदेव हम क्या करें। जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतर काम करना, जो बेहतर काम करते हैं उनका जीवन बेहतरीन हो जाया करता। फिर भी युवा मन से मैं कहना चाहता हूँ, एक ही मेरा आग्रह है उनसे कि जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, गंभीर बनाना है, जीवन में ऊंचाइयों को पाना है, तो सबसे पहले आदमी को, सबसे पहले की युवा दिल को, सबसे पहले की युवा मन को एक अपना लक्ष्य और जीवन मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा। और जब वह जीवन मूल्य और लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे, फिर उन्हें आप किस तरह से खूबसूरत अंजाम दे सकते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। निर्धारित लक्ष्य और निर्धारित जीवन मूल्य, यदि हमारे जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाना है तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि उन पर कोई ठेस पहुंचाए, उन पर कोई प्रहार करे। पहले आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले युवा मन को सोचना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या बोले, वो लोगों से क्या सुनना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है या बुरा सुनना चाहता है। जहां तक मैं सोचता हूँ कि कोई भी अपने बारे में बुरा सुनना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। और जब अच्छा सुनना चाहता है व्यक्ति, तो उसे जैसा वह सुनना चाहता है वैसा ही उसे अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा, वैसे ही उसे अपनी सोच बनाना पड़ेगी, वैसे ही उसे अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग बहुत अच्छा बोलें, आपको बेहतर इंसान समझें, तो केवल देख करके लोग नहीं समझा करते हैं। युवाओं से मेरा आग्रह है, थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करें। एक जीवन के तौर तरीके, जीवन की जीने की स्टाइल हमारी कैसे होना चाहिए कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। आकर्षण का केंद्र ही नहीं, उनके हृदय में भी आपको स्थान मिले, तो आपको बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे। कुछ जीवन के उसूल होना चाहिए, जो उसूल ऐसे हो वो हमें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे हों। हम उन उसूलों के लिए जीवन छोड़ना पड़े तो हम तैयार रहें। बस इतना जो निर्धारित कर लेता है उसका जीवन बेहतर से बेहतर।